गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम हिंदी की करेक्शन वर्कशीट करेंगे। करेक्शन वर्कशीट मीन्स सुधार कार्य की वर्कशीट है। प्रश्न एक, निम्नलिखित कठिन शब्दों को 5 बार लिखो व याद करो। ये कुछ कठिन शब्द हैं जिनको ज़्यादातर स्टूडेंट्स इनमें मिस्टेक करते हैं। आपको इनको 5 टाइम्स लिखना है और याद भी करना है। विशेषण मतलब एडजेक्टिव, जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं। सप्ताह मतलब वीक। व्यवहार, व्यवहार मतलब किसी के साथ हम कैसा सलूक करते हैं वो। प्रकाश रोशनी। वाक्य, वाक्य मीन्स सेंटेंस। तो आप इनको ध्यान से देखिए, इनमें कौन से वर्ण को कैसे लिखा गया है। प्राचीन मीन्स पुराना। संख्या मीन्स नंबर। सर्वनाम प्रोनाउन, जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं वो। परिवर्तन मीन्स चेंज। परिवर्तन को देखिए कैसे लिखा गया ये। परिस्थिति मीन्स कंडीशन। व्यक्ति मीन्स कोई भी पर्सन। तो आप इन शब्दों को अच्छे से लिखेंगे वे याद करेंगे। नेक्स्ट है, प्रधानाचार्य को अवकाश प्राप्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखो। ये एक कॉमन प्रार्थना पत्र है जो हर बच्चे को आना चाहिए। सेवा में सबसे पहले लिखेंगे सेवा में। किसको लिख रहे हैं हम? श्रीमती प्रधानाचार्य जी मतलब प्रिंसिपल मैम को लिख रहे हैं। अगर सर हैं तो सर, मैम है तो मैम। अध्ययन पब्लिक स्कूल, स्कूल का नाम कापसेड़ा नई दिल्ली 37। महोदया, मैं आपके विद्यालय में एक कक्षा, आप 3rd क्लास के या 4th के हैं, अपनी कक्षा लिखेंगे, का छात्र हूँ। अगर लड़का है तो छात्र हूँ, अगर लड़की है तो छात्रा हूँ। सविनय, निवेदन है कि मैं कल रात से तेज बुखार से पीड़ित हूँ, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ या सकती हूँ। कृपया मुझे 1 दिन का, या आपको 2 दिन का चाहिए या 3 दिन का, तो वो यहाँ पे लिखेंगे, अवकाश प्रदान करें मतलब छुट्टी दें। सा धन्यवाद, धन्यवाद के सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर लड़की है तो आपकी आज्ञाकारी शिष्या, ये के बाद आ की मात्रा लगा देंगे, शिष्या बन जाएगा। नाम, यहाँ अपना नाम लिखेंगे। कक्षा, यहाँ कक्षा लिखेंगे। तिथि, जिस भी तिथि को, डेट को आप लिख रहे हैं वो डेट लिखेंगे। इसको भी आप लिखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट, लिंग बदलो, लिखो वे याद करो। राजा रानी, चूहा चूहिया, बेटा बेटी, भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, शेर शेरनी, मोर मोरनी, दादा दादी, नर नारी, सम्राट साम्राज्ञी, नौकर नौकरानी। उसके बाद वचन बदलो, लिखेंगे वे याद करेंगे। केला केले, केला मतलब एक केला, और उसका वचन बदलने मतलब ये दो या दो से ज़्यादा है, उसका प्लूरल बन जाएगा, बहुवचन। लड़का लड़के, कहानी कहानियाँ, वस्तु वस्तुएं, कथा कथाएं, कमरा कमरे, संतरा संतरे, स्त्री स्त्रियाँ, महिला महिलाएं, मुर्गी मुर्गियाँ, नदी नदियाँ, पौधा पौधे। ये एक वचन है, इसका हम बहुवचन बनाएंगे ऐसे। तो आप इनको लिखेंगे वे याद करेंगे। उसके बाद विलोम शब्द लिखो वे याद करो। उल्टा शब्द जो होता है, एक अनेक, सुख दुख, नया पुराना, आदर निरादर, जन्म मृत्यु। चतुर मूर्ख, आयात लेन, आयात मतलब लेना, निर्यात मतलब देना, उचित अनुचित, आगे पीछे, पास दूर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो व याद करो। जो महीने में एक बार आता है वो क्या होता है? मासिक। जैसे कि महीने में कोई पत्रिका आती है, या जैसे बिल आता है, या कुछ भी चीज जो भगवान को मानता है। आस्तिक, जिसके पास धन ना हो। निर्धन, समाज में रहने वाला। सामाजिक, प्रतिदिन होने वाला। दैनिक, जो गांव में रहता हो। ग्रामीण। तो ये कुछ कॉमन हैं जो आपको लिखने और याद करने हैं, कॉमन टॉपिक हैं। थैंक यू।